नमस्कार सीएमएन देख रहे हैं आप, आपके साथ में कनिका। बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया वकफ के अध्यक्ष अनवर हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल की विशेष उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं, जैसे महिला महाविद्यालय में 3 नए सब्जेक्ट शुरू करवाना, कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, बिल्डिंग का सौंदर्यकरण, स्कूल बसों की उपलब्धि के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। की वजह से, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मुझे दबाव डाला गया और झूठे एलिगेशन लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए। जो मैंने आप लोग को दस्तावेज दिए हैं, चेक में लिखा कुछ है, कुछ हो रहा है, 4वें महीने के चेक है, उसमें गबन में मेरा नाम लिख दिया, ये चेक आपने खा लिए। मैं डंकी की चोट पर यह कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो चेक अगर मेरे अकाउंट में गए हों जिसमें अंजुमन इस्लामिया लिखा हुआ हो, वो मेरे अकाउंट में कैसे जाएगा चेक जिसमें 6,50,000 लिखा हुआ हो और राइटिंग में 6,000 और 50,000 लिखा हुआ है, वो कैसे जाएगा हमारे अकाउंट में? अरे अंजुमन के अकाउंट में नहीं जाएगा तो मेरे अकाउंट में कहाँ से जाएगा वो? तो इस तरह के झूठे अनर्गल मेरे कार्यकाल के पहले के जितने भी एलिगेशन थे, आरोप थे, वो मेरे ऊपर निकाल दिए उन्होंने। क्यों? राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि मुसलमान पढ़े लिखे। मैंने देखी स्मार्ट क्लास, सर्व शिक्षा अभियान, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूं, अगर मैंने 26 जनवरी में कलर बिल्डिंग कराया तो मैंने, अगर मैं उसमें मुजरिम हूं तो हूं। अगर मैंने 15 अगस्त में स्कूल में झंडा फहराया और बच्चों को मिठाई बांटी, अगर इसको कोई मुजरिम कहता है तो मैं हूं। कांग्रेस क्या करना चाहती है? मुसलमान पढ़े लिखे नहीं। हमारी आइडियोलॉजी ये थी, मैं कलाकार आदमी हूं, मुझे सारी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन मुझे पहली बार पता लगा कि कांग्रेस का ये रुख, अपने आदमी को बैठाना था तो हमको धीरे से बोलते आप ना भाई, आप झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, सत्ता बदली और आपने झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए। एक प्रूफ तो बता दीजिए आप। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हो उसकी भी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर वो चीज़ भी कोई माई दलाल प्रूफ कर देगा तो जो सजा समाज देगा हम मानने को तैयार हैं। हम अपनी कौम की खिदमत करने के लिए आए थे। हमें क्या मालूम था कि ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर इतने गलत, इतने अनर्गल हमारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? मुझे भाई हार्ट तकलीफ हुई, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। माननीय न्यायालय ने मुझे बोला कि आप अपना काम करते रहेंगे अपने पावर के साथ, उसके बाद भी मेरे ऊपर झूठे आरोप, तो मैं इस दबाव में काम नहीं कर सकता। मैं एक कलाकार आदमी हूँ, मैं इस दबाव में काम नहीं कर, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझसे इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं है, मैंने इस्तीफा दिया है। मैं वहाँ का चेयरमैन था, अध्यक्ष।